الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما বাবাজে পুরান্দ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ওয়া সাল্লু আলাইহি মিলকর পড়ে আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়া সালামু আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া হাবিবাল্লাহ الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا نور الله تمام حمد و ثناء اس کریم مالک و خالق کے لیے جس خالق کائنات نے ہم سب کو پیدا فرمایا تمام درود و سلام اس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دنیا میں آئے تو آئے زمین پر تشریف لائے تو آ کر فرماتے ہیں رب ہب لی امتی کریم اللہ میری امت کو معاف فرما درود و سلام اس ہستی پر جو محبوب جنگ میں جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فرمائے رب ہب لی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما اس نبی پر درود و سلام جو محبوب طائف کی وادی میں جائے اور لوگوں کو کلمہ حق کی طرف بلائے پر لوگ آگے سے پتھر مارے وہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دے عرض کرے باری تعالی رب حبلی امتی یا باری تعالی میری امت کو معاف فرما درود و سلام اس ہستی پر جو محبوب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اللہ سے اللہ کا دیدار کرنے پہنچے اللہ کا دیدار کرے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو اور وہاں جا کر بھی وہ مالک کریم کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی اپنی امت کو نہ بھولے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو نبی کہتا ہے رب ہب لی امتی باری تعالی میری امت کو معاف فرما درود و سلام اس ہستی پر جو محبوب معراج کی رات واپس زمین پر تشریف لائے اور ایک باندی کو ساتھ لے کر کافر بادشاہ کے دروازے پر چھوڑ آئے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں کہے رب ہب لی
उम्मती बारी ताला मेरी उम्मत को माफ फरमा। दूदो सलाम उस हस्ती पर, उस नबी पर, उस महबूब पर, उस आका ओ मौला पर, जब अल्लाह का कुरान जिब्रील लेकर आए महबूब की बारगाह में अल्लाह का सलाम पेश करे, अल्लाह का कुरान महबूब की बारगाह में पेश करे, महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान समाअत फरमाए कि अल्लाह फरमाता है पिछली जो गुज़श्ता उम्मतें गुजरी हैं उन्होंने ये काम किया, उनकी शक्ल बदल गई, उन्होंने ये गुनाह किया, उनके माथों के ऊपर लिख दिया गया, उन्होंने ये किया, उनके ऊपर अज़ाब आया, उन्होंने ये किया, उनके ऊपर पानी का अज़ाब आया, इस कौम ने ये किया, उसके ऊपर हवा का अज़ाब आया, इस कौम ने ये किया, उनको खंजीर बंदर बना दिया गया, इन्होंने ये किया, उनको फला जानवर जैसा बना दिया गया। जब महबूब अलैहिस्सलाम के कल्बे अतर मुबारक पर ये आयत करीमा नाजिल होती है, वो नबी गमखार नबी आका ओ मदनी नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर अपनी आंखों से आंसू मुबारक बहा बहा कर अपनी दाढ़ी मुबारक को तर कर लेते हैं, अपने सीने मुबारक को तर कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब रो क्यों रहे हो? अर्ज करता है बारी ताला मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब हबली उम्मती क्या दे सुभान अल्लाह। दूद ओ सलाम उस हस्ती पर, दोस्तों वो महबूब, वो प्यारा नबी, वो लजपाल नबी, वो आका, वो दुलारा नबी ज़मीन पर तशरीफ लाए तो उम्मत को याद करे, मैदान में जाए तो उम्मत को याद करे, ताइफ की वादी में पहुँचे तो उम्मत को याद करे, बैतुल मुकद्दस में पहुँचे तो उम्मत को याद करे, आसमान के पहले स्टेप पर पहुँचे तो उम्मत को याद करे, दूसरे आसमान पर पहुँचे तो उम्मत को याद करे, तीसरे आसमान पर पहुँचे तो उम्मत को याद करे, चौथे आसमान पर पहुँचे तो उम्मत को याद करे, छठे आसमान, पाँचवें, सातवें आसमान पर पहुँचे तो उम्मत को याद करे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे जहाँ जिब्रील रुक जाए वहाँ भी वो नबी अपनी उम्मत को याद करे, वहाँ पहुँचे जहाँ कोई ना पहुँचा अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तब भी उम्मत को याद करे, ज़मीन पर आए तब भी उम्मत को याद करे, सजदे में जाए तब भी उम्मत को याद करे, जब इस दुनिया फानी से बज़ाहिर पर्दा फरमाने लगे तब भी अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती के बारी ताला मेरी उम्मत को माफ फरमा। तो फिर हम क्यों ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद ओ सलाम पढ़ें जिन्होंने हर लम्हात में हमें याद रखा, हर मुसीबत और परेशानियाँ दुख तो तकलीफ में हमें याद रखा, हमारी जो शक्लें सलामत हैं महबूब की दुआओं का सदका है, महबूब की दुआओं का वसीला है, उन्होंने हमें दुआओं में याद रखा, तो हम क्यों ना दुरूद ओ सलाम में अपने नबी को याद करें। तो मिलकर पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका वा सहाबिका या सैयदी या नूर अल्लाह। अल्लाह करीम फरमाता है कुरान पाक में कि इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि उसके औलिया तो परहेजगार ही हैं। आज का जो हमारा मौजू है कि अभी 19 और 20 हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका उर्स मुबारक है, अकीदतमंद मोहब्बत मंद प्यार करने वाले उनका अदब एहतराम करने वाले लोग वहाँ पहुँच भी रहे हैं,
और उनके मिजार अक्दस मुबारक की ज्यारत भी कर रहे हैं और वहाँ पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं। और उनके दीवाने, उनके मस्ताने, उनके चाहने वाले, उनके प्यारे जो वहाँ तो नहीं पहुँच सके पर अपने घरों में, अपनी महफलों में, अपनी मस्जिदों में बैठकर उनका जिक्र करके जो है वो अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं कि हकीकतन जब औलिया अल्लाह की बात की जाती है तो दिलों में इनकलाब बर्पा होता है, मोहब्बत पैदा होती है कि उस वली की बात कर रहे हैं जिनको दुनिया सलाम करती है, उस वली की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के लिए जो है वो कुर्बान कर दिया है, बिल्कुल जो है वो खालिसन अल्लाह की रिजा की खातर अल्लाह की इबादत की इस कदर की कि उन्हें इस दुनिया फानी से पर्दा किए हुए हजार साल गुजर गए और फिर भी उनके मज़ार अनवार मुकद्दस पर कुरान पाक की तिलावत हो रही है और लंगर खाने जो है वो चल रहे हैं और लोग वहाँ जाकर मन्नते मांगते हैं और अल्लाह तबारक व ताला उनकी मन्नते पूरी फरमाता है। तो ये क्या है, क्या फरमाया क्या कुरान पाक में कि इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, के उसके औलिया तो परहेजगार ही हैं। अब एक बंदा अभी शायद से पता चला कि ही हैं कि जो बंदा परहेजगार नहीं होगा, जो बंदा मुत्तकी नहीं होगा, जो बंदा नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, शरीयत मुताहरा पर चलने वाला नहीं होगा, पाकी पलीती का जिसे पता नहीं होगा, जिसे जो है वो हराम व हलाल की तमीज़ नहीं होगी, जिसे सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अदब व एहतराम नहीं होगा, तो पता ये चलेगा अगर वो दावा करता है कि मैं वली हूँ, वो वली नहीं हो सकता। वली कौन है? फरमाया वली तो वही है जो परहेजगार है, जो तकवा इख्तियार करता है वो वली है, जो नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, ज़कात ना दे, कुरान ना पढ़े और जो है पाकी पलीती का ख्याल ना रखे, इस्तेदाद भी हो, ताकत भी हो, कुव्वत भी हो, माल भी हो, दौलत भी हो, उसके बावजूद हज ना करे, तो पता ये चला कि ये परहेजगार नहीं है, ये मुत्तकी नहीं है, तो ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता, ये पीर नहीं हो सकता। ये पीर तो हो सकता है पर पीर नहीं हो सकता। पीर वही होगा, वली वही होगा जो परहेजगार होगा। ये कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है। अगर वक्त ज़्यादा होता तो मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का बताता, वो फरमाते हैं कि वली जो होता है उसमें कितनी किस्में हों, कौन सी सिफतें हों। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की बात करें, आप फरमाते हैं वली की 10 सिफतें होनी चाहिए, तो वो 10 सिफतें कौन सी हैं? अगर उस वली में वो 10 सिफतें पाई जाएँ तो वो वली है, अगर उस 10 सिफतों में एक सिफत भी उस वली में नहीं पाई जाती तो वो वली वली नहीं है। तो भाइयों बुजुर्गों, बात करनी है हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने किस कदर जो है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रियासत की है, किस कदर उन्होंने तकवा और परहेजगारी इख्तियार की है, इस कदर के फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मकाम ये अता फरमाया है, बड़े बड़े वहाँ पर जाते हैं और वहाँ बैठकर कलमा कलाम पढ़ते हैं, वहाँ जाकर जो है वो मनते और मुरादें जो है वो मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस नेक बंदे के सदके, अपने उस वली और प्यारे के सदके उनकी वो हाजतें और मनते पूरी फरमाता है। इनका तारफ मुख्तसर सा कि आपकी सन वलादत जो है वो 400 हिजरी में है, यानी कि 400 हिजरी में आप पैदा हुए हैं। आपके वालदैन वो भी पाकीज़ा
मुअत्तर और मुताहर थे, यानी कि वालदा भी अल्लाह की वलिया थी और वालिद भी दरवेश थे, अल्लाह के वली थे। तो इससे बाद ये भी पता चलता है कि अगर वालदैन गुनाहगार हों, अगर वालदैन जनाकार हों, अगर वालदैन जो है वो सूदकार हों, अगर वालदैन जो है वो अयाशी करने वाले हों, वालदैन जो है नमाजी ना हों, कुरान ना पढ़ने वाले हों, गुनाहगार हों, तो उनकी औलाद फिर ऐसे नहीं बनती, उनके हाँ फिर अल्लाह के वली नहीं पैदा होते। जो पैदा होते ही अल्लाह के वली हैं। हजूर अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद साहब का वाक्या बाकदर काफ़ी मरतबा सुन रखा है। एक सेब मिला, उस सेब को बख्शाने के लिए सारी जिंदगी को वक्फ कर दिया कि एक सेब जो है दरिया के किनारे से मिला है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। जब सेब बख्शाने के लिए सारी ज़िंदगी को वक्फ किया तो अल्लाह ने फर्जंद वो अता किया जो क़यामत तक आने वाले तमाम वलियों की गर्दनों के ऊपर जो है वो अपना कदम मुबारक रखेगा। अगर कहते कि कोई बात नहीं सेब ही है, तो फिर हजूर अब्दुल कादिर जिलानी जैसा बेटा पैदा ना होता। तो भाइयों बुजुर्गों के पता ये चला कि वालदैन जो हैं उनका भी नेक होना ज़रूरी है। अगर वो नेक होंगे तो फिर उनकी औलाद भी नेक पैदा होगी, उनकी औलाद फिर नेक पैदा होगी, वो फिर नमाजी और रोज़ा रखने वाली और गाजी फिर होगी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें मकाम ये अता फरमाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। तो हुज़ूर दादा गंजे बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम जो है अली है, आपका नाम असल अली है और आपके वालिद माजिद का नाम उस्मान है, यानी कि अली बिन उस्मान अल जीलानी अल हजवेरी। अल जीलान जो है ये जगह है जहाँ पर आपके वालिद माजिद उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहते थे, और हजवेरी ये हजवेर जगह है जहाँ पर आपकी वालदा माजदा रहा करती थी। आपकी परवरिश आपकी वालदा माजदा के साथ हुई हजवेर में, और आपके वालद माजद पहले से ही इंतकाल कर गए। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश मुबारक और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश मुबारक हिजवेर में हुई, इसलिए आपको हिजवेरी कहा जाता है। जिलानी वालिद की वजह से जहाँ पर वालिद साहब रहते हैं, और हिजवेरी जहाँ आपकी वालदा माजदा रहती है, इसलिए हिजवेरी। और नाम की समझ आ गई। कोई पूछ लेते हैं, कहते हैं कि दाता गंजे बख्श अली हिजवेरी, दाता गंजे बख्श कहते हैं उनका नाम क्या है, हमें नाम का ही नहीं पता। अब लाल शुवाल कलंदर है, उनके नाम का नहीं पता कि असल उनका नाम क्या है। तो लिहाजा जो है ये भी पता होना चाहिए, इलम रखना चाहिए। तो हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने वहाँ पर फिर तलीम हासिल की, इलम हासिल किया। तो यहाँ पर ये भी बात चलती है कि जो वली होगा वो आलिम ज़रूर होगा। हर आलिम वली नहीं होगा, हर वली जाहिल नहीं होगा, बल्कि वो आलिम ज़रूर होगा। जो वलायत के मनसब पर होगा वो आलिम ज़रूर होगा। तो आपने इब्तदाई तालीम वहाँ पर हासिल की, किसकी? कुरान पाक की, फिका हदीस की आपने वहाँ पर तालीम हासिल की। उसके बाद आप वहाँ से जो है वो सफ़र करते रहे, एक शेख को मिले, आप उसके मुरीद हुए, फिर वहाँ से आप चलते चलते दीगर जो है मकामात मुकद्दसा पर आपने हाज़िरी दी, वहाँ पर हाज़िरी देते हुए आप फिर आपकी है जो है वो ड्यूटी आपके उस्ताद साहब ने, आपके शेख साहब ने, आपके पीर साहब ने लाहौर में लगाई। आपने अर्ज़ किया, हजूर वहाँ पर हमारा भाई, हमारा पीर भाई वो फला हसन शौरानी
रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में मेरी आप वहाँ लाहौर में ड्यूटी लगा रहे हैं, तो आपने फरमाया जो मैंने कहा है वो ही करो। तो दाता गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से चले खरासान से या जिलान से या हजवेर से, वहाँ पर आप चले और लाहौर शहर के दरवाजे पर अभी आप पहुँचे हैं तो क्या देखते हैं कि लोगों का हजूम है और एक मैयत का जनाजा जो है उन्होंने कंधों पर रखा हुआ है और दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं और शहादत कलमा शहादत की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आप करीब पहुंचते हैं, पूछते हैं लोगों ये जनाजा किसका जा रहा है, लोगों ये मैयत किसकी लेके जा रहे हो। लोगों ने बताया क्या तुझे नहीं पता, लगता है तू मुसाफिर है, लगता है तू लाहौर शहर का रहने वाला नहीं है, लगता है तू कहीं दूर से आया है, ये अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है, ये अल्लाह का प्यारा है, ये अबुल हसन शौरानी रहमतुल्लाह अलैह है, ये एक वली कामिल था जिन्होंने चराग दीन का जलाया और हमें जो है वो उससे मुस्तफीद फरमाया और कई काफरों हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है, ये वो मर्द मोमिन है जिसका जनाजा हम लेके जा रहे हैं। उसी वक्त दिल में ख्याल आया कि पीरे तरीकत रहबर शरीयत हजूर पीरे वाला ने जिन्होंने मेरी ड्यूटी लाई है उस्ताद साहब ने उन्होंने ठीक लगाई है कि कुतुब जो उस वक्त तक का कुतुब था लाहौर शहर में उसका पर्दा हो चुका है, वहाँ सर ज़मीन को उस इलाके को संभालने के लिए दाता गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की ड्यूटी लगा दी गई है। आप फिर साथ गए जो है वो जनाजा पढ़ाया, दफन करवाया, उसके बाद आप एक जो है वो दरियाए रावी की मन के ऊपर जो है वो बैठ गए, वहाँ पर अल्लाह अल्लाह करते रहे। लोग देखते हैं, देखकर चले जाते हैं, यार अजीब मुसाफिर है, जब भी आते हैं अपने मन में लगा हुआ है, अपनी धुन में लगा हुआ है, बस अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ना किसी के साथ बोलता है, ना किसी के पास बैठता है, ना किसी की तरफ जाता है, ना किसी से कोई मसला डिस्कस करता है, बस आया है अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कुछ दिन गुजरते हैं, हजूर दादा गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके पास खर्चा पानी मौजूद था आप उससे जो है वो मटीरियल खरीदते हैं और एक मस्जिद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोल रहे कुछ नहीं होता, क्या बनाते हैं मस्जिद बनाई, अल्लाह का घर बनाया। यहाँ पे ये नुक्ता ज़ेहन नशीन कर लें कि अल्लाह का वली जहाँ पर डेरा लगाता है, जो अल्लाह का वली होता है जहाँ पर आकर बसता है, जहाँ आकर अपना जो है बसेरा बसाता है, वहाँ पर वो कोई सैनमा घर नहीं, वहाँ पर कोई कुत्तों की लड़ाई के लिए मेला खाना नहीं, बल्कि अल्लाह का घर बनाता है। क्या दे सुभान अल्लाह, जो अल्लाह का वली है जहाँ पर आएगा जहाँ बसेरा करेगा वहाँ पर मुर्गों की कुत्तों की लड़ाई नहीं, बल्कि अल्लाह का घर तामीर करेगा, अपने पैसों से अपने खर्चे पे अल्लाह का घर बनाया। अल्लाह का घर बनाकर वहाँ पर नमाज पढ़ी अल्लाह अल्लाह की। अब शहर में हंगामा खड़ा हो गया कि अजीब बात है, एक बुज़ुर्ग आया है अल्लाह अल्लाह पहले करता रहा दरिया के किनारे पर, अब उसने एक मस्जिद बनाई है, अल्लाह का घर बनाया है, पर उसकी सिम्मत जो है वो किबला से हटकर है, उसकी सिम्मत किबला से हटकर है। ये कैसा जो है वो बंदा आया है, इसने तो अजीब ही काम कर दिया। अब वहाँ कर जो है वो वहाँ के कुछ उलमा कुछ जो है वो लोग बड़े बड़े जो है वो मुखालिफ हुए। जब मुखालिफ हुए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये नहीं फरमाया कि जिन्होंने मेरी मुखालफत की है वो जो है अपाहज हो जाएं, लंगड़े हो जाएं, लूले हो जाएं, मैं बद्दुआ कर रहा हूँ बर्बाद हो जाएं, उनका माल भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, औलाद ना हो, बेटे ज़ाइल हो जाएं, फलाँ हो जाए, फलाँ हो जाए, नहीं नहीं, बल्कि आपने फरमाया जिन उलमा इकराम ने मेरी मुखालफत की है, जिन लोगों ने मेरी मुखालफत की है आज उन्हें दावत है, आज नमाज मगरिब मेरे पीछे मेरी मस्जिद में जो अल्लाह का घर बनाया है वो आकर अदा करें। पैगाम पहुंच गया,
पैगाम तमाम लोगों पर उलमाए इकराम तक पहुंचा। लोग जोक दर जोक दौड़े आए कि पैगाम आया है। चलो जाके पहुंचते हैं मस्जिद के अंदर, नमाज पढ़ के देखते हैं, सारे कहते हैं कि किबले की सीमत दुरुस्त नहीं। मगरिब की जमात आपने करवाई, अल्लाहु अकबर किया, पीछे सारे मुक्तदी खड़े हैं, आगे इमाम जो है दादा गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम के भी क्या कहने और मुक्तदियों के भी क्या कहने। मुक्तदियों पर भी करोड़ों सलाम, उस इमाम पर भी करोड़ों अरबों सलाम जिन्होंने उन मुक्तदियों का हाल ही बदल डाला। नमाज पढ़ाई, आपने कहा देखो सामने किबले की सीमत देखो कि हमारा मस्जिद का जो है वो रुख किबले की सीमत है या हट चुका है। लोगों ने कहा खुदा की कसम, जब दादा गंजे बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह ने ये लफ्ज अदा किए, हमने नजरों को उठाकर देखा, लगता यूं था कि सामने ही काबा आ गया है। सामने से तमाम पर्दे हट गए, तमाम रुकावटें हट गईं। दादा गंजे बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जब फरमाया तो सारों ने देखा कि किबला सामने मौजूद है। कहा हमारी मस्जिदों के रुख तो टेढ़े थे, पर दादा गंजे बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मस्जिद बनाई है ऐन जो है वो ठीक बनाई है। और जो मुखालफत करने वाले थे फौरन कदमों में गिर जाते हैं, हुजूर हमने मुखालफत की। आपने ये नहीं फरमाया जाओ चले जाओ बर्बाद हो जाओगे ख़त्म, नहीं बल्कि दुआ फरमाई, कहा कि ठीक हो जाओ, किसी से मुखालफत ना करो। तो अब आप इसी वकार पता ये चला जो अल्लाह का वली है वो किसी के साथ मुखालफत भी नहीं करता। अब दूसरी बात, अब वहाँ पर वो शोरा हुआ, हिंदू भी रहती हैं सिख भी रहती हैं, उन्होंने ये मामला देखा, कहा इतने 100 मील काबा है और ये मर्द मोमिन है जिसने वो सारों को दिखा दिया। जो मौजूद थे उन्होंने तो तौबा की, और जो कुफार थे उनमें काफ़ी जमात काफ़ी लोग आकर जो है वो कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगे। फिर वक्त हुआ, अब जो है फिर दरिया के किनारे में बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं, टाइम भी हो गया है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। आखिरी बात, एक औरत गुजरती है, हाथ में दूध है, मुसलमान नहीं है, मुस्लिम नहीं है, काफरा है, हिंदू है, दूध लेके जा रही है। आपने फरमाया ऐ अल्लाह की बंदी ऐ बीबी, अगर ये दूध मुझे आज पिला दे। तो वो कहती है कि बाबा जी मैं आपको ये दूध नहीं दे सकती, ये दूध मैं फलां जोगी के लिए लेके जा रही हूँ, अगर जोगी तक मैंने ये दूध ना पिलाया तो शाम को जब मैं दूध धोने के लिए अपनी भैंसों या गाँव के पास जाऊंगी वो दूध की बजाय खून आने लगेगा, लिहाजा मैं नहीं दे सकती। आपने फरमाया आज दे के तो देखना। वो जो दूध था उसने कभी दूध की तरफ देखा, कभी वो सोचा कि वो जोगी क्या करेगा, कभी बाबा जी की तरफ देखा, कहा चलो बुजुर्ग हैं, प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, मुसाफिर हैं, लिहाजा दे देती हूँ, क्या होगा देखा जाएगा। दूध दे दिया बाबा जी ने, तनावर फरमाया, शाम हुई, परेशान भी है, एक एक लम्हा गुजारा कि जब दूध धोने के लिए जानवरों के पास जाऊंगी तो क्या बनेगा, कैसा होगा मामला। तो जब करीब जाती है दूध धोने के लिए तो एक बर्तन दूध का भर जाता है, दूसरा बर्तन मंगवाती है भर जाता है, तीसरा मंगवाती है भर जाता है, घर के सारे बर्तन जो है वो दूध से भर जाते हैं, बाबा जी की बारगाह में पेश होती है, आने वाली सहेलियों को उनको बताती है तुम कहाँ दूध लेकर जाती हो, आओ उस बुजुर्ग की तरफ ले जाओ और फिर देखना किस कदर जो है वो तुम्हारी भैंसे और गायें दूध देती हैं। अब इधर आने लगी, आकर मुसलमान भी होने लगी, अब उसका धंधा बंद होने लगा और बाबा जी के चर्चे होने लगे। दाता गंजे बख्श अली हजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग का जो है वो काम शुरू कर दिया, अब ईमान वाले बनने लगे, कुफार जो है कुफर जो है वो छटने लगा। अब जोगी कहता है मेरे पास तो कोई नहीं बचा, मेरे पास कोई नहीं बचा, एक को भेजा दो को भेजा, सारे दाता साहब के पास आते हैं, देखते हैं, बैठ जाते हैं, दारे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। आखिरकार जोगी खुद चलकर आता है
और आकर कहता है कि ऐ बुजुर्ग, तूने आकर ये मेरा मुकाबला किया है, मेरे सारे लोगों को अपनी तरफ जो है वो हायल कर लिया है, सारों लोगों को मेरी तरफ से मुतनफ़िर कर दिया है, आ मेरे से मुकाबला कर ले। तो बाबा जी फरमाते हैं, क्या मुकाबला करना चाहता है? कहता है मेरे से आप मुकाबला कर लें। आप फरमाते हैं, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का बंदा हूँ, जादूगर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का बंदा हूँ। कहता है मैं जो है वो हवा में उड़ कर दिखाता हूँ, हवा में उड़ता है। तो आप फरमाते हैं, अपने जूतों को, अपने नालैन को, अपने जो है वो कड़ावों को जो लकड़ के बने हुए हैं उनको हुक्म देते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, उस जोगी के भी ऊपर जाकर जो है सर में बरसते हैं और उसे नीचे आकर कदमों में जो है वो झुका देते हैं और आकर कलमा पढ़कर जो है वो भी दारे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। फिर वक्त का अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उन्हें शहंशाह बना देते हैं अपने वली के तुफैल। तो अबाबे सिवकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को हक सच की दावत देने वाला बनाए और जो हक के वली हैं जैसा दाते गंजे बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह हैं, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह हैं, हजूर अब्दुल कादिर जिलानी हैं, हजूर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, सबकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाला बनाए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरा पीर तो बड़ा पीर है तो फलां का पीर पीर नहीं है। तो ये दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये जो है वो ठीक नहीं है, बल्कि जो वली है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो पीर है जिनका कोई मुरीद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सभी को अपना अपना जुदा जुदा मुकाम अता फरमाया है। हजूर बहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, ए तन मेरा चश्मा हो ते मैं मुर्शिद वेखना रजां हूं, लूलू दे मुड़ लख लख चश्मे इक खोला इक कजा बरनावे होर किते वल बजा हूँ, मुर्शिद दा दीदार है हजरत बाहू ते मैनू लख करोड़